हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल डेट इज इजी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जो कि है फ्रिक्शन। तो चलिए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, उसका ए पार्ट है फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो किस चीज़ का विरोध करता है। तो आंसर है गति यानी मोशन, तो वह मोशन का विरोध करता है। बी ऑप्शन है हमारा फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेस, इसका आंसर है नेचर। सरफेस का नेचर कैसा है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर सरफेस प्लेन होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। सी क्वेश्चन देख फिल इन द ब्लैंक्स का सी देखते हैं हम लोग। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश, फ्रिक्शन फ्रिक्शन से क्या निकलता है। तो फ्रिक्शन से एक एनर्जी निकलती है जो कि होती है हीट एनर्जी। फ्रिक्शन जैसे कि आपके घरों में पंखा लगा होगा, जब वह चलता है कुछ समय बाद आप देखते होंगे कि उसमें पंखा गर्म हो जाता है, तो वह फ्रिक्शन के कारण ही होता है। डी स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। तो जब कैरम बोर्ड हम लोग खेलते हैं तो एक बार हम लोग देखते होंगे कि स्ट्राइकर सही से वर्क नहीं करता है, वह रुक रुक के चलता है, तो उसके लिए हम लोग पाउडर डालते हैं। तो पाउडर किस लिए डालते हैं, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाए और सरफेस प्लेन हो जाए, तो उससे हमारा स्ट्राइकर ईजली जाता है। क्वेश्चन नंबर ई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, तो इसका ऑप्शन होगा लेस। क्वेश्चन नंबर 2 फोर चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक्स एंड स्लाइडिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चार बच्चों से पूछा गया कि रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को घटते हुए क्रम में लगाना है और उनके जो अरेंजमेंट है वो नीचे दिए गए हैं, जैसे में से हमको सही अरेंजमेंट कौन सा है वो चूज़ करना है। तो सही अरेंजमेंट है हमारा सी स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग, क्योंकि जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा अलीदा रेंज हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल वेट मार्बल न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सर्फेसेस इन इंक्रीज ऑर्डर विल बी। मतलब पूछा गया है यहाँ पर कि एक लड़की है जिसका नाम है अलीदा, वो अपने खिलौने वाली कार को पहले तो सूखे मार्बल फ्लोर पे चलाती है, फिर वेट मार्बल फ्लोर पे चलाती है, फिर उसको न्यूज़पेपर पे चलाती है और फिर टॉवल पे चलाती है। तो इसमें हमको करना है कि छोटे से बड़े क्रम में इसको लगाना है। छोटे से बड़े क्रम में हमारा ऑप्शन होगा पहला, पहले तो वेट मार्बल पे, फिर ड्राई मार्बल पे, फिर न्यूज़पेपर पे, फिर टॉवल पे, यानी कि हमारा सबसे कम जो फ्रिक्शन लगेगा वो वेट मार्बल पे लगेगा, फिर उससे ज़्यादा लगेगा ड्राई मार्बल पे, उसके बाद सबसे ज़्यादा लगेगा न्यूज़पेपर पे, सबसे ज़्यादा लगेगा टॉवल पे। यहाँ पर दिया गया है कि प्लेन एंड वेट सरफेस प्रोड्यूस फ्रिक्शन, जो समतल और गीला सतह होता है वो फ्रिक्शन को कम करता है, ड्राई एंड अनइवन सरफेस इंक्रीज फ्रिक्शन, सूखा और खुरदुरा सतह जो होता है वो फ्रिक्शन को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मान लीजिए जिस डेस्क पर आप लिखते हैं वो हल्की सी झुकी हुई है और उस पर एक किताब रखी हुई है जो कि नीचे की तरफ सरकना स्टार्ट कर देता है,
तो इस पे रखते वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगा, उसको हमको बताना है। तो आंसर होगा हमारा, अ बुक केप्ट ऑन टिल्टेड डेस्क स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बुक। मतलब जो किताब हमारी झुकी हुई डेस्क पर मतलब रखा हुआ है और उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमारी बुक के मोशन यानी गति के विपरीत होगा। जैसे कि यहाँ पर एक फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं, फुटबॉल में अगर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, व्हाई? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आपसे गलती से सरफ से भरी हुई बाल्टी गिर जाती है मार्बल फ्लोर पर, तो वो वहाँ पे चलना आपके लिए आसान होगा या कठिन होगा, और अगर आसान होगा तो क्यों होगा और कठिन होगा तो क्यों होगा? इसका आंसर हम बताते हैं, इफ स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली देन इट वुड बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर बिकॉज सोपी वाटर रेड्यूस फ्रिक्शन। मतलब अगर सर्फ से भरी हुई बाल्टी आपसे गिर जाती है मार्बल फ्लोर पर, तो वहाँ पर आपके लिए चलना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो सर्फ से भरी हुई बाल्टी होगी वहाँ वो फ्रिक्शन को कम कर देगी, और जहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा वहाँ पर हमारे लिए चलना कठिन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक लड़का उधर से दौड़ते हुए आता है, वो यहाँ पर मान लीजिए सर्फ से भरी हुई बाल्टी गिरी हुई है, यहाँ पर सर्फ से भरी हुई बाल्टी गिरी गिरी हुई है, वो लड़का वहाँ से आता है और यहाँ पर स्लिप कर जाता है। क्यों स्लिप कर जाता है? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्टमैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। हमको यहाँ पर समझाना है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो जो शूज यूज करते हैं उनके नीचे कांटे जैसे कुछ क्यों लगे होते हैं? तो इसका आंसर है, स्पोर्ट्समैन यूजेस शू विथ स्पाइक्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड फॉर बेटर ग्रिप बिटवीन शू एंड द सरफेस, सो द शू विथ स्पाइक्स डू नॉट स्लिप व्हाइल द स्पोर्ट्समैन रन एंड प्ले। मतलब जो खिलाड़ी होते हैं उनके शू के मतलब कि जो उनके जो जूते का सोल होता है उनके नीचे कांटे इसलिए लगे होते हैं ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और वह जमीन के साथ उनका जो जूता है वह पकड़ अच्छे से बना पाए, जिससे वो स्लिप ना हो और अपने खेल को बेहतर प्रदर्शन दे सकें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वह स्पोर्ट्समैन है उसके जूते के नीचे लगा हुआ है स्पाइक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा, इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड व्हाई? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लड़का इकबाल है, उसे एक हल्का डिब्बा धकेलने के लिए कहा गया और उसके साथ एक लड़की भी है सीमा, उसको भी एक बॉक्स दिया गया इकबाल के जैसा ही, लेकिन वह इकबाल के बॉक्स से थोड़ा सा भारी है, और उसको उन दोनों को बोला गया कि एक ही सतह पर दोनों को ढकेलें और दोनों को ढकेल कर देखें कि किस बॉक्स को ढकेलने में ज़्यादा फोर्स लग रहा है और क्यों लग रहा है। तो इसका आंसर होगा, सीमा विल हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स बिकॉज हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस मोर फ्रिक्शन। मतलब सीमा को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा उस बॉक्स को ढकेलने के लिए, क्योंकि सीमा का बॉक्स भारी है और भारी बॉक्स जो होता है वो फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं,
लड़का हमारा इकबाल है वो आसानी से इस बॉक्स को धकेल पाएगा, और ये सीमा है जो कि धकेलने इस बॉक्स को धकेलते वक्त इसके पसीने छूट गए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्यों कम होता है। तो इसका आंसर है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट गेट्स लेस टाइम टू इंटरलॉक इनटू द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर एंड स्टैटिक फ्रिक्शन गेट मोर टाइम टू इंटरलॉक इनटू द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। मतलब कि हमारा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वह मोशन में जो ऑब्जेक्ट रहता है उस पर लगता है, तो वह उतना समय नहीं मतलब कि उसको मिलता है कि वह जमीन के साथ इंटरलॉक हो सके। और वहीं स्टैटिक फ्रिक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसके उसको सफिशियंट टाइम मिल जाता है कि वह जमीन के साथ इंटरलॉक हो सके। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। इस क्वेश्चन में हमको यह कहना है कि हमको कुछ उदाहरण बताने हैं जिसमें फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो पहला है हमारा फ्रिक्शन एज फ्रेंड, फ्रिक्शन हमारा दोस्त। उसका पहला एग्जांपल है, इट अलाउज अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि यह हमको अलाउ करता है किसी भी सतह पर हम पकड़ बना सकें और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ सकें। इट अलाउज अस टू वॉक कंफर्टेबली ऑन फ्लोर। फ्रिक्शन जो है हमारी मदद करता है कि हम आसानी से जमीन पर चल सकें। इट हेल्प अस टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। वह हमारी सहायता करता है कि हम किसी भी स्पीड को कम कर सकें और उस किसी भी चलते हुए व्यक्ति को रोक सकें। फ्रिक्शन एज फो, फ्रिक्शन हमारा दुश्मन। फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर इन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वह घिस जाता है और कपड़े फट जाते हैं। इट कॉज डैमेज द पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन जब चलती है तो उसमें हीट जनरेट होता है फ्रिक्शन के द्वारा और वह मशीन के पार्ट को डैमेज कर सकता है। इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट सो फोर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो जमीन और टायर के बीच में फ्रिक्शन लगता है जिससे साइकिल पैडल ना मारने पर साइकिल को जोर जाकर रुक जाती है और हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो इससे हमारा एक नुकसान हो गया। प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड वेस्ट एनर्जी टेक प्लेस ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब कि फ्रिक्शन के द्वारा ऐसी कुछ एनर्जियाँ निकलती हैं जिससे हमें जरूरत ही नहीं होती हैं, जैसे कि हीट एनर्जी निकलती है। तो फ्रिक्शन के द्वारा जब हीट एनर्जी निकलती है उससे तो हमारा मशीन का पार्ट डैमेज होगा वो तो अलग, लेकिन जो मशीन चलेगी उसमें जो हीट एनर्जी में जो हमारा करंट जाएगा उसका बिजली का बिल अलग। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।